एक घने जंगल में था एक बड़ा सा पेड़। उस पेड़ में रहती थी एक चिड़िया। चिड़िया सबकी मदद करती थी और पेड़ पर रहने वाले पक्षी सब उसको बहुत पसंद करते थे। चिड़िया रोज खाने की खोज में सुबह निकलती थी और शाम को वापस पेड़ पे आती थी। बाकी के सारे पक्षियां भी यही करते थे और नजर भी रखते थे कि चिड़िया वापस आई या नहीं। एक दिन चिड़िया खाने की खोज में घर से तो निकली पर वो घर वापस नहीं लौटी। बाकी के पक्षी सोचने लगे कि चिड़िया वापस आए क्यों नहीं। इसी दौरान एक दिन वहां पर आया एक खरगोश जो जंगल में नया नया आया हुआ था। वह रहने के लिए जगह ढूंढ रहा था जब उसने उस पेड़ को देखा। खरगोश पेड़ के अंदर बस गया। बाकी के पक्षी ने खरगोश को रोककर बोला, हे खरगोश, हमारी दोस्त चिड़िया यहाँ रहती है। वो खाने की खोज में गई है तो अभी वापस नहीं आई। बेहतर है कि तुम कोई और जगह ढूंढो। अब मैं इधर आ गया और इस पेड़ में चिड़िया तो है नहीं, तो अब ये मेरा घर हुआ। बाकी के पक्षी सोचने लगे कि चिड़िया के वापस लौटने के बाद इस खरगोश को तो यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। फिर वे वहाँ से चले गए। खरगोश आराम से पेड़ में रहने लगा और अचानक से एक दिन चिड़िया वापस आ गई और उसने देखा कि उसके घर में अब कोई और रह रहा था। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? जब मैं यहाँ आया तो इधर कोई नहीं था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बस गया। अब ये मेरा घर है। मैं तो खाने की खोज में बाहर गई थी और अब तुमने यहाँ कब्जा कर लिया और बोल रहे हो कि ये तुम्हारा घर है। अगर तुम्हें कोई सबूत चाहिए तो तुम बाकी के पक्षियों को पूछ सकते हो कि ये मेरा घर है या नहीं। बाकी के पक्षी वहाँ पर आए और बोले कि उन्होंने तो पहले ही बोला था कि यह चिड़िया का घर है और कृपया वहाँ से चले जाए। पर खरगोश ने उनकी बात नहीं मानी और बस बोलने लगा कि सारे पक्षी तो चिड़िया के दोस्त है ना, तो वो उसी का साथ देंगे। तुम्हारे दोस्तों के अलावा हमें किसी और को इस बारे में बताना चाहिए ताकि वह इस बात का फैसला कर सके। बेचारी चिड़िया को लगा कि अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है और खरगोश की बात को मान लिया। उसी समय खरगोश ने एक बिल्ली को बुलाया जो उस रास्ते से गुजर रही थी। मैं तो खाने की खोज में निकली थी और इस खरगोश को मुझे अभी बुलाना था। बिल्ली गई खरगोश के पास। हमारी दोस्त बिल्ली, हमें आपकी मदद की आवश्यकता है, कृपया आप इस समस्या को हल कर दे। मुझे तो लगा कि आज मुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा, पर इस खरगोश ने तो मुझे खुद पास बुलाया है, मुझे इसका फायदा उठाना ही पड़ेगा। क्या हुआ प्यारी बिल्ली, तुम चुप क्यों हो? मेरे दोस्त, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मुझे तुम्हारी बातें सुनाई नहीं दे रही है। अगर तुम पास आकर फिर से बोलोगे तो ठीक रहेगा। बिना सोचे समझे चिड़िया और खरगोश दोनों बिल्ली के पास अपनी समस्या बताने चले गए। उसी समय बिल्ली ने मौका देखा और दोनों को एक साथ पकड़ लिया। बाकी के पक्षी पेड़ पर बैठे हैरान रह गए, ये सोचते हुए कि अगर ये दोनों किसी खतरनाक अनजान से मदद नहीं मांगते तो शायद अब तक जीवित होते।